जोशीमठ में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटी। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिसर से आपदा राहत सामग्री के दो ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें ड्राई राशन, कंबल, कपड़े, टोपी और शॉल जैसी आवश्यक चीजें शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संकट के इस घड़ी में हम सभी को आगे आने की जरूरत है, जिससे कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग वैज्ञानिक भी लगातार कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री भी जोशीमठ आपदा पर अपनी नजर बनाए हुए है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कंबल है, गरम टोपियां हैं और गरम शॉल हैं और खाने के पैकेट हैं जो ड्राई फूड पैकेट हैं, तो वो बना के अभी फ़िलहाल दो ट्रक आज शुरुआत करी है। बहुत लोग और देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए स्थान सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो उसको मैं समझता हूँ कि एकदम से कहीं रास्ते में पड़ा रहे, कहीं उसका उपयोग न हो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। लोगों की श्रद्धा है, लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। कंबल है,